नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मानसून सत्र पर कोरोना संकट, जल शक्ति मंत्री के बाद विधायक लखविंदर और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी पॉजिटिव। पिकअप को भी लोन सब्सिडी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। किन्नौर के सांगला छितकुल में बोलेरो खाई में गिरी, 4 की मौत, 3 गंभीर। मकान दहने से दबी युवती, देहरा के चेलिया में पेश आया दर्दनाक हादसा। 9 सितंबर को अटल टनल का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पांवटा पुलिस को दिल से सलाम, 21 बिछड़ों को फिर से परिवार से मिलाया। और अब समाचार विस्तार से। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब विधानसभा के मानसून सत्र पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। जल शक्ति मंत्री के बाद अब नालागढ़ के कांग्रेस विधायक लखविंदर राणा बेटे समेत पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उद्योग एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में राज्य सरकार अब पिकअप, ई रिक्शा और सौर ऊर्जा युक्त 3-व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ी, मोबाइल फूड वैन इत्यादि के लिए भी लोन सब्सिडी देगी। लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्य के लिए अब समय सीमा तय है। बैंकों द्वारा 1 माह के भीतर ऋण स्वीकृति प्रदान की जाएगी और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के तहत 15 दिन के भीतर शेष अनुदान आवंटित किया जाएगा। अनुदान को ट्रेजरी के बजाय नोडल बैंकों से आवंटित करने और 60% अनुदान अग्रिम किस्त के रूप में दिया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों से कही। वहाँ पिछले 1.5 महीने में 536 जो है वो काम शुरू किया। काम करने की हिम्मत जुटाई और मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आगे इस योजना को बढ़ाने की आवश्यकता है और उसे बढ़ाने के लिए आप सबके जो आप जितने भी जो हमारे लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, आप हमारे एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप लोग भी लोगों को प्रेरित करिए, नौजवानों को प्रेरित करिए, जिस काम में आप कर रहे हैं उससे हट करके नया इनिशिएटिव में उनको आप सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। और उम्मीद में हूँ कि ये योजना हमारी अच्छी चलेगी और नौजवानों को बहुत बड़ा सहारा। जिला किन्नौर के सांगला छितकुल संपर्क सड़क मार्ग पर खरागला नामक स्थान में एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई व 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना में मौत का शिकार हुए 3 युवक सांगला व 1 मृतक युवक बोनीसारिंग का है, जबकि 3 घायल भी सांगला के ही है। गौर रहे कि चालक ओम कृष्ण अन्य 6 युवकों के साथ बोलेरो गाड़ी में रक्षम से सांगला की ओर आ रहा था कि खरोगला नामक स्थान पर चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क मार्ग से नीचे 120 फुट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सांगला प्रभारी मोहन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किन्नौर जिला पुलिस अधीक्षक SR राणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि दुर्घटना चालक द्वारा गाड़ी के तेज गति में चलाने के कारण हुई है, परंतु फिर भी पुलिस दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से छानबीन कर रही है। जिला कांगड़ा के तहत उपमंडल देहरा के तहत दरकाटा के गांव चेलिया में शुक्रवार रात को एक घर के ढह जाने से एक युवती की मौत हो गई है। साथ ही घर के साथ बनी गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई। SDM देहरा धनवीर ठाकुर ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से 20,000 रुपए की फौरी राहत उपलब्ध करवाएगी। जानकारी के अनुसार दरकाटा के चेलिया गांव के देशराज का मकान शुक्रवार रात्रि धराशायी हो गया, जिसके चलते दूसरे कमरे में सो रही उनकी बेटी की मलबे में दब जाने से मौत हो गई। साथ ही गौशाला का हिस्सा गिर जाने से उनकी भैंस भी मलबे में दबकर मर गई। पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आगे की छानबीन की जा रही है। मैं आज चेलिया गाँव में आया हूँ। यहाँ रात को एक मकान गिर गया, जिस मकान के नीचे एक बिटिया जो जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो दब के मर गई और एक भैंस और एक उसका बच्चा और एक गौशाला और एक घर पूरी तरह से जो है वो ग्रस्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से इन्हें फौरी राहत जो है 20,000 रुपये दिया है। मैंने अपने नायब तहसीलदार को आदेश दिए हैं कि तुरंत जो है इसका रिलीफ पीस बनाया
और ताकि जो सरकार की तरफ से इनको मदद दी जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 सितंबर को अटल टनल का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री टनल के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह इस दौरान बीआरओ के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर बीआरओ ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दर्शकों को बता दें कि टनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। टनल में अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। यहां बता दें कि सितंबर माह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल को देश की जनता को समर्पित करेंगे। ऐसे में टनल के उद्घाटन से पहले रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजनाथ सिंह का पहले भी दो बार टनल के निरीक्षण के लिए दौरा रद्द हो चुका है। ऐसे में 9 सितंबर का रक्षा मंत्री का यह दौरा तय माना जा रहा है, जिसे लेकर बीआरओ ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब बात पुलिस विभाग की। अक्सर पुलिस पर आए दिन कई आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको खाकी का वो मानवीय चेहरा दिखाएंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखा हो। पुलिस की खामियों को लेकर अक्सर खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन मानवीय चेहरे को कोई भी सामने नहीं लाना चाहता है। पांवटा साहिब पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस ने दिन रात मेहनत कर अपने परिवार से बिछड़े लोगों को परिजनों से मिलाया है। दरअसल पांवटा सब डिवीजन के अंतर्गत माजरा पांवटा शिलाई थाना की टीम ने पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद पहली अगस्त से गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक पांवटा साहिब के 21 लापता व्यक्तियों का पता लगाया और उनके परिवारों को सौंप दिया है। डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर सिंह ने बताया, पांवटा पुलिस ने 21 लापता लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर के दिशा निर्देशों के बाद पुलिस ने ये मुहिम छेड़ी है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते 8 महीनों से लापता 21 लोगों को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।